उनके नाम से कहा जा रहा है, जैसे उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जो धर्म। तो वो एक वितराग भाव को ही उत्तम क्षमा मार्दव आर्जो आदि नामों से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कल हमारी चर्चा उत्तम मार्दव धर्म पर हुई थी, आज हम उत्तम आर्जो धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब उत्तम आर्जो धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। आर्जव का अर्थ सरलता है। मन वचन काय की कुटिलता का अभाव वह आर्जव है। आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है तथा सुख उत्पन्न करने वाला है। अतः कुटिलता छोड़कर कर्म का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करो। कुटिलता अशुभ कर्म का बंध करने वाली है। जगत में अति निंद है। आत्मा का हित चाहने वालों को आर्जव धर्म का अवलंबन लेना उचित है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा ही शब्दों द्वारा अन्य को कहना तथा वैसा ही बाह्य में शरीर द्वारा प्रवर्तन करना, उसे सुख का संचय करने वाला आर्जव धर्म कहते हैं। तो आर्जव धर्म जो माया कषाय है, उस माया कषाय अर्थात कुटिलता, ये सरलता का भाव जो माया मायाचारी है या माया कषाय है, उस माया कषाय के साथ ये आर्जव धर्म नहीं रह सकता। मतलब मायाचारी के अभाव का नाम ही आर्जव धर्म है, ये सरलता है। मतलब सरल परिणामों को आर्जव धर्म कहते हैं। जहाँ वक्रता का अभाव होता है, कुटिलता का अभाव होता है, कहना कुछ, मानना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ, ये जो इतनी मतलब मन वचन काय की जो कुटिलता दिखाई देती है वो मायाचारी कहलाती है। तो उसका अभाव होना, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। ठीक है, मन वचन काय की कुटिलता का अभाव, उसका नाम आर्जव है। देखिए आगे पढ़ते हैं। मायाचार रूप शल्य मन से निकाल कर उज्जवल पवित्र आर्जव धर्म का विचार करो। मायाचारी का व्रत तप संयम सभी निरर्थक है। आर्जव धर्म निर्वाण के मार्ग का सहायी है। जहाँ कुटिल वचन नहीं बोले वहाँ आर्जव धर्म होता है। यह आर्जव धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अखंड स्वरूप है तथा अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। आर्जव धर्म के प्रभाव से अतीन्द्रिय अविनाशी सुख प्राप्त होता है। संसार रूप समुद्र से तिरने के लिए जहाज रूप आर्जव धर्म ही है। देखो यहाँ पे एक बात और हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कहा कि जहाँ कुटिल वचन नहीं बोले वहाँ आर्जव धर्म होता है। मतलब ये मन वचन काय की जो कुटिलता है उससे संबंध करके ये वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ मन वचन काय की कुटिलता ना हो उसको आर्जव धर्म कह रहे हैं। जैसा मन में हो वैसे वचन में हो, वैसे ही काय की प्रवृत्ति में हो, उसको आर्जव धर्म यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात विचार करना कि दो जगह ऐसा मत लगाना। हेलो, हाँ जी, हेलो, डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? नहीं सही आ रहा है भैया। ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट एक विचार करने लायक है कि एक तो जरूरी नहीं है कि वचनों की या काया की प्रवृत्ति हो तभी आर्जव धर्म हो, क्योंकि ये तो वितरागता के दूसरे नाम है आर्जव धर्म, क्षमा धर्म। तो बाहर की प्रवृत्ति हो ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध अवस्था में भी ये धर्म है, वितराग भाव तो वहां भी है, मुनिराजों की भूमिका में तो ये उत्कृष्ट रूप से है ही से। मतलब ये वहां पर भी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये नियम नहीं है कि भाई मन वचन काय की मतलब वचन की काय की प्रवृत्ति बाहर से हो तभी आर्जव धर्म होगा। ये नियम रूप नहीं है। फिर क्यों कहा जाता है कि
क्योंकि उपदेश किसको दिया जा रहा है उसकी उसको सामने रखकर के बात की जाती है। त्रियंचों में भी यदि सम्य दृष्टि जीव होंगे तो उनको भूमि का अनुसार जितना धर्म का अंश प्रकट है उस उतने अंश में उत्तम समाधि धर्म भी प्रकट है। लेकिन नरक में भी ऐसा लगाएंगे, देव में भी, मनुष्य में भी, चारों गतियों में जितना धर्म का अंश प्रकट है उस धर्म के अंश को कितनी कसाय का भाव हुआ उतना उतना वीतराग उतना उतना उत्तम समाधि धर्म प्रकट है उनके भी। लेकिन अभी जो उपदेश किसको दिया जा रहा है, किसकी मुख्यता से दिया जा रहा है, तो फिर वैसा विचार करके उपदेश को ग्रहण करना कि भाई ये मनुष्यों के लिए मुख्यता से उपदेश है, त्रेंचों के लिए, नारकियों के लिए, ये जिन्होंने पूर्ण रूप धर्म को प्रकट किया ऐसे अरेंज उनके लिए नहीं, ये तो उपदेश मनुष्यों के लिए। तो मनुष्यों में जब देखा जाता है कि मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय में कुछ है, क्रिया क्रिया कुछ और ही हो रही है, तो फिर उनको बोला कि ऐसी कुटिलता जिनके होगी, ऐसी वक्र परिणाम जिनके होंगे, उनको आत्मा का स्वरूप सीधा सीधा जो है वो समझ में नहीं आएगा। मात्र जानना देखना ये आत्मा का स्वरूप है, और जब कुटिलता ऐसी होगी तो वो उस स्वरूप उनकी परिणति नहीं रह पाएगी। मात्र जानना देखना मतलब वीतराग भाव रूप परिणति उनकी नहीं रह पाएगी। ये दूसरी अपेक्षा से बोले तो जिनके परिणामों में इतनी कुटिलता है उनके अंदर में धर्म प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये वस्तु स्वरूप का जो ज्ञान है या वस्तु स्वरूप का जो वस्तु स्वरूप है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये बात हुई और दूसरी एक और बात क्या थी, हाँ दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और है जो दादा ने अपने धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में भी ली है, और हम काफी जब 10 लक्षण के प्रवचन जब सुनते हैं तो ये बात आती है कि जब ये वाली बात कही कि भाई जैसा मन में वैसा ही वचनों में वैसा ही क्रिया में होना चाहिए, तो ये तब करना चाहिए जब मन में अच्छा हो। यदि मन में बुरा हो तो वचनों में भी बुरा मत कह देना, और फिर काय से कर मत देना उसको बुरा। तब तो भाई मन की मन में रख लो तो अच्छा है, वचन तक आ जाए भाई वचन में नहीं आने देना, यदि आ जाए वचन में तो काय से मत कर देना। यदि मन में खराब चीज चल रही हो तो जैसे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, उसको कुछ उल्टा सीधा कहने का भाव हो गया, भाई मन में हो गया तो मन में ही रोक लो, वचन से मत कह दो। वचन से कह दिया तो भाई इतने तक ही सीमित रह जाना, इससे आगे बढ़ करके कुछ हाथ पैर मत चला लेना। तो वहां पे जब मन में खोटा भाव हो तब तो उसकी व्यक्तता मत होने देना, लेकिन अच्छा हो तब ऐसा जरूर करना कि भाई जो मन में हो, मन में अच्छे भाव हो तो वचन में भी अच्छे लाना और क्रिया। ऐसा मत करना कि मन में खराब हो वचनों में अच्छे हो क्रिया में अच्छे दिख रहा हो, तो वो भी कुटिलता की सूचक है। तो जब मन में अच्छा हो तब जाकर के वचनों में अच्छा हो क्रिया में अच्छा, वो पूरी प्रोसेस जो मन वचन काय की जो एकता दिखानी है वो तब करना जब मन में भी अच्छा चल रहा हो। तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना थोड़ा सा। जब भी आर्य धर्म की बात आती है तो जब साधारण ऐसा बोल दिया जाए कि जैसा मन में हो वैसे ही वचन और काय में क्रिया में होना चाहिए, तो अच्छा हो तभी ऐसा हो तो आज धर्म कहलाएगा। थोड़ा एक और पॉइंट साथ में ले लेते हैं कि ये जो 10 लक्षण धर्म के स्वरूप की बात यहाँ चल रही है, ये मुख्यतः से व्यवहार धर्म की बात चल रही है, और मूल में परिणामों और क्रिया की प्रधानता से पूरा यहाँ विवरण दिया जा रहा है और वैसे भी भावना अधिकार है, तो भावना अधिकार में मुख्यतः से परिणाम संबंधी बात चल रही है कि इस प्रकार की भावना चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, अपने परिणाम बिगड़ते हो तो अपने आप को संबोधन कैसे दिया जाए। तो एक तरह से पंडित जी स्वयं को संबोधन देते हुए ये भावना अधिकार लिख रहे हैं सरस्वदास जी पंडित जी साहब, ये अपने आप को स्वयं को संबोधन करते हुए ही ये पूरा भावना अधिकार लिख रहे हैं। इसमें मूल रत्नकरण सावकाचार्य जी के जो मूल वो है छंद है जो श्लोक है वो एक भी नहीं है इस पूरे भावना अधिकार में, वो तो आगे इसके पहले सारे हो गए और बाद में थोड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे तो मूल में पंडित जी अपनी अपनी बात पूरी यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे ग्रंथ के लास्ट में अपनी बात लिखते हैं ना परिशिष्ट आदि के फॉर्म में, तो वैसे ये परिशिष्ट के फॉर्म में बीच में ही ग्रंथ के बीच में भावना अधिकार और उसमें अपनी बात पंडित जी लिख रहे हैं। तो ये उस हिसाब से ये ग्रंथ लिखा है और वैसे ही हमको समझना पड़ेगा। कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं
ये पंडित जी का जो ये रत्नगण सावकाचार्य जी उन्होंने टीका लिखी है या भाषा वचन निकल लिखी है, ये ऐसा है जैसे वो प्रवचन की शैली हो, जैसे प्रवचन में जैसे डिटेल होता है और जिस तरह से प्रवचन शैली होती है वैसे पंडित जी ने इतना डिटेल से भावनात्मक रूप में एक एक पॉइंट को मतलब किस प्रकार से चिंतन हो सकती है, कैसी भावना हो सकती है, कैसा विचार करना चाहिए, वो डिटेल में एक एक चीज बताई है। तो बिल्कुल भाषा वचनी का बोलो या प्रवचन भी बोल दो पंडित जी के इस विषय पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दो यहाँ पे तो हमारी बात उत्तम आर्जव धर्म पे चल रही है। आर्जव धर्म निर्वाण के मार्ग का सहाय है और जहाँ कुटिल वचन नहीं बोले वहां आर्जव धर्म होता है। मतलब वचनों में कुटिलता जहाँ पे है वहां आर्जव धर्म है ही नहीं, ये बात तो सीधी सीधी बात होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अखंड स्वरूप है तथा अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। ये हमको लगना चाहिए थोड़ा भाव भाषण हम देखें, अपनी परिणति को टटोलें और थोड़ा देखें कि सरलता में हमको सुख दिखता है क्या। हम तो बातों को घुमा घुमा के जितनी लंबी चौड़ी करके कोई कहानी रूप में प्रस्तुत करें तो हमको मजा आता है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि भाई सरलता या फिर उत्तम आर्जव धर्म बोलो या सरलता बोलो, कुटिलता का अभाव बोलो, उसको अतीन्द्रिय सुख का पिटारा बोलो। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का अखंड स्वरूप है तथा अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। वास्तविकता में आर्जव धर्म सुख स्वरूप है, ये तो जब व्यवहार से इसकी चर्चा करी जाएगी तब ये बात कही जाएगी कि भाई मन वचन काय की कुटिलता का अभाव होना। और निश्चय आर्जव धर्म की चर्चा की जाएगी तो वो क्या है कि जो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, जो निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप है वही उत्तम आर्जव धर्म है, वही अतीन्द्रिय सुख है। और इसके प्रभाव से अतीन्द्रिय अविनाशी सुख प्राप्त होता है, स्वयं सुख रूप है और उसके फल में भी अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। देखिए आगे पढ़ते हैं, जिस समय मायाचार जान लिया जाता है उसी समय प्रीति भंग हो जाती है, जैसे कांजी डालने से दूध फट जाता है। मायाचारी अपना कपट बहुत छिपाता है किंतु वह प्रकट हुए बिना नहीं रहता है। दूसरे जीवों की चुगली करना व दोष बतलाना वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। मायाचार करना तो अपनी प्रतीति का बिगाड़ना है, मायाचारी के समस्त हितैषी बिना किए ही वैरी हो जाते हैं। देखो यार क्या कह रहे हैं, जैसे किसी जीव के मन वचन काय की कुटिलता चल रही है, मन में कुछ हो वचन में कुछ हो, मतलब वो अपने मन की बात को छिपाना चाहता है और वचन में कुछ और बोल रहा है, या मन की बात को छिपा करके काया के द्वारा कुछ और ही कर रहा है। लेकिन जब उसकी उसका मायाचार जान लिया जाता है, मतलब किसी तरह से पता चल जाए कि भाई ये कहे ऐसा रहे हैं लेकिन इनके मन में ऐसा है, ये कर तो ऐसा रहे हैं लेकिन इसके पीछे इनके मन में ऐसी ऐसी बात चल रही है, तो जब ये पता चल जाता है तो उस समय प्रीति भंग हो जाती है। मतलब जैसी भी रिश्ते हो, रिश्तेदारी हो या कुछ भी हो, कहीं भी कैसा भी संबंध हो, तो उस संबंध में से प्रीति प्रेम का अभाव हो जाता है। कैसे कि जैसे कांजी डालने से दूध फट जाता है, दूध में कांजी निम्ब कांजी ये थोड़े खट्टे पदार्थ कहलाते हैं, निम्ब कांजीर इनको ये इनको दूध में डालो तो दूध फट जाता है, वैसे ही ये है। मायाचारी अपना कपट बहुत छिपाता है लेकिन कितना छिपाएगा, एक झूठ को बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले जाते हैं, लेकिन वो प्रकट तो हो गई होगा, कितने ही कपट छिपाया जाए लेकिन वो प्रकट हुए बिना नहीं रहता। दूसरे जीवों की चुगली करना व दोष बतलाना वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। जीवों की चुगली करना, यदि हम किसी की चुगली करते हैं, किसी के दोष बताते हैं, तो ये बात प्रकट हो ही जाएगी कि भाई आपने चुगली की है, आपने दोष बताया। मतलब चुगली करने वाला तो ये सोचता है कि भाई हम चुगली कर रहे हैं और हमारा नाम आएगा नहीं और सामने वाले का जिसके जिसके संबंध में चुगली की है उसका बुरा हो जाएगा या उसके उसका दोष हमने प्रकट किया तो अकेले उतने होगा।
लेकिन आपने चुगली की है, ये दोष सबसे पहले प्रकट होगा, क्योंकि जिसके समक्ष चुगली करो उसे तो पता चल ही रहा है कि भाई चुगली करने है, उसके सामने तो आप दोषी हो ही गए, भले ही उस समय के लिए वो अपना प्रयोजन साधने के लिए आपकी बात सुन रहा हो, मतलब आप किसी का दोष बताने आए हो किसी के सामने, तो आप ये मत समझना आप उसके विश्वसनीय रहोगे, क्यों, क्योंकि वो समझ गया ये बात कि भाई आप किसी की पीठ पीछे चुगली करते हो तो भाई अभी दूसरे की कर रहे हो, कभी हमारी भी करोगे, तो चुगलखोरी करना तो मतलब सामने वाले की चुगली कर पाओ उसके दोस्त बता पाओ नहीं बता पाओ, चुगलखोरी करने में अपना दोस्त तो सबसे पहले व्यक्त हो जाता है, तो इसीलिए कहा ना मायाचारी अपना कपट बहुत छिपाता है किंतु वह प्रकट हुए बिना नहीं रहता, दूसरे जीवों की चुगली करना व दोस्त बतलाना वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, मायाचार करना तो अपनी प्रतीति का बिगाड़ना है, मायाचारी के समस्त हितैषी बिना किए ही बिना कुछ किए ही वैरी हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे आपका मायाचार प्रकट होगा आपके जो हितैषी होंगे वो भी वैरी हो जाएंगे, ऐसे ही पहले आज मार्दव धर्म के संबंध में भी कहा था कि अभिमानी के तो बिना कुछ किए ही सभी वैरी हो जाते हैं, जो अभिमान में झूलता हो फूलता हो उसके समस्त वैरी हो जाते हैं, ऐसी मायाचारी के भी समस्त तैसी बिना कुछ के ही वैरी हो जाते हैं, तो आगे क्या कहते हैं, जो व्रती हो त्यागी हो तपस्वी हो किंतु जिसकी कपट एक बार भी प्रकट हो जाए तो सभी उसे अधर्मी मानकर कोई भी उसकी प्रतीति नहीं करता है, कपटी की तो माता भी प्रतीति नहीं करते, कपटी तो मित्र द्रोही स्वामी द्रोही धर्म द्रोही कृतघ्नि है, तथा यह जिनेंद्र का धर्म तो छल कपट रहित है, जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है उसी प्रकार कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेंद्र का आर्जो रूप सरल धर्म प्रवेश नहीं करता है, देखो बहुत व्रती हो त्यागी हो तपस्वी हो कितने ही बहुत सारे व्रतों को पालन करने वाला हो बहुत सारी वस्तुओं का बहुत सारी चीजों का त्याग कर रखा हो अनेक प्रकार के तप करता हो लेकिन कभी एक बार एक प्रकट हो जाए कि भाई इन्होंने ऐसा छल किया था इस प्रकार की मायाचारी करके अपना ये कार्य साधा था तो जैसे ही वो प्रकट होगा तो उसको अधर्मी के रूप में ही माना जाएगा उसको धर्मात्मा के रूप में फिर स्वीकार करना मुश्किल कोई भी उसकी प्रतीति नहीं करता मतलब जब ये बात सामने प्रकट हो जाएगी इन्होंने ऐसे ऐसे छल प्रपंच करे हैं तो फिर उसको व्रती त्यागी तपस्वी के रूप में स्वीकार नहीं करते उसको अधर्मी के रूप में ही समाज में या फिर परिवार में भी समाज में भी फिर उसको वैसे ही देखा जाता है, मित्र द्रोही स्वामी द्रोही धर्म द्रोही कृतघ्नि है, ये जो कितनी छल कपट मायाचारी करेगा तो वो तो सबका ही द्रोह कर रहा है, सिर्फ अपना अपनी अपने मन में जो उसको साधने के लिए कैसा भी छल कपट करेगा कैसे भी द्रोह करेगा फिर वो ये नहीं देखता कि हम मित्र के साथ द्रोह कर रहे हैं स्वामी के साथ द्रोह कर रहे हैं धर्म के साथ द्रोह कर रहे हैं, वो तो अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से करेगा क्रोध करे मतलब छल कपट करेगा। और हमारा जिनेंद्र का शासन जिनेंद्र का धर्म तो छल कपट रहे थे, तो कह रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे तलवार का जो म्यान होता है टेढ़ा म्यान, जो टेढ़ी तलवार का होगा उसका टेढ़ा म्यान होगा, सीधी तलवार का सीधा म्यान होगा, तो आप सीधी तलवार को टेढ़े म्यान में कैसे प्रवेश करा पाओगे, नहीं करा पाओगे, टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती। उसी प्रकार से जिनेंद्र का धर्म जो आर्ज रूप सरल धर्म है वो कपट से वक्र परिणामी के हृदय में प्रवेश नहीं करता है, जिसके परिणाम ऐसे कुटिल हों ऐसे वक्र हों मन में कुछ वचन में कुछ काय में कुछ इस प्रकार के परिणाम हो उसके हृदय में जिनेंद्र का आर्जो रूप सरल धर्म प्रवेश नहीं करता है। अब देखो इसको थोड़ा जैसे अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत होता है ना तो उसको यदि व्यतिरेक फॉर्म में सोचें विचारें तो यदि हमारे अंदर भी
हमारी चित्रूपी भूमि में भी यदि जिनेंद्र का धर्म शासन यदि हमारे अंदर नहीं आया है, हम इतना पढ़ते हैं सुनते हैं, सालों से सुनते आ रहे हो पढ़ते आ रहे हो, और फिर भी हमको ऐसा लगता हो कि भाई अभी भी हमको हमारे परिणाम ऐसे रहते हैं, या हमारे हमको ये बात समझ में नहीं आई, हमारे चित्त में धर्म अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है हमारी परिणति में, तो फिर विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर भी ये छल कपट आदि के दोष चल रहे हैं, हमारे अंदर भी अभिमान का दोष चल रहा है, हमारे अंदर भी छोटी छोटी बातों पर या कोई प्रतिकूल प्रसंग बनने पर क्रोध इतना तीव्र आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर में ये जिनेंद्र का आर्जव रूपी सरल धर्म, ये क्षमा रूप सरल धर्म, क्षमा रूपी धर्म, मार्द रूपी धर्म, आर्जव रूपी धर्म कैसे प्रवेश करेगा? देखो विचार करने योग्य है हमारे अपने जीवन में भी। देखो आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कपटी के दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, ये लोक परलोक दोनों ही। यदि यश चाहते हो, धर्म चाहते हो, प्रतीति चाहते हो, तो मायाचार का त्याग करके आर्जव धर्म धारण करो। कपट रहित की बैरी भी प्रशंसा करते हैं, देखो तो क्या कह रहे हैं, कपट रहित की बैरी भी प्रशंसा करते हैं। कपट रहित सरल चित्त वाले ने यदि कोई अपराध भी किया हो तो भी वह दंड देने योग्य नहीं है। आर्जव धर्म का धारक तो परमात्मा के अनुभव करने का संकल्प करता है, कसाय जीतने का, संतोष धारने का संकल्प करता है, जगत के छलों का दूर से ही परिहार करता है, आत्मा को असहाय चैतन्य मात्र जानता है। देखिए कपटी के दोनों लोग नष्ट हो जाते हैं, इस लोक में भी, इस पर्याय में भी उसकी यश भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कोई प्रशंसा नहीं करेगा, सब उसके बैरी हो जाएंगे, सब उससे दूर रहना चाहेंगे, चाहे मित्र गण हो, चाहे परिवार गण हो, चाहे समाज में भी व्यक्ति हो, अकेला ही रहेगा, कोई उसके पास उसके जब ये पहचानने में, जब ये कुछ कहता कुछ है करता कुछ है, इसके अंदर अभिप्राय में तो कुछ और ही पड़ा हुआ है, तो फिर उससे किसी भी प्रकार का संबंध लोग स्थापित नहीं करते। तो कह रहे हैं यदि यश चाहते हो, धर्म चाहते हो, प्रतीति चाहते हो, तो क्या करो, तो भी ऐसी मायाचारी मत करो। नो फिर एक कपट रहित की बैरी भी प्रशंसा करते, कोई इसका शत्रु भी होगा ना, तो शत्रुता एक तरफ, जिस बात पे शत्रुता होगी वो एक तरफ, लेकिन वो भी ये तो कहेगा कि भाई ये जो भी बात है वो सीधी सीधी कहते हैं, तो घुमा फिरा कर कुछ कहना कुछ करना ऐसा काम नहीं करना। तो यदि इसका बैरी भी होगा, वो भी इसकी इस गुण के कारण तो प्रशंसा करेगा। कपट रहे सरल चित्त वाले ने यदि कोई अपराध भी किया हो तो वह दंड देने योग्य भी नहीं है। जो होगा न्याय उचित उतना दंड दिया जाएगा, लेकिन इस गुण के कारण से ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो कपट नहीं करता ना, इस कारण से वो दंड देने योग्य नहीं है। आज जो धर्म का धारक तो परमात्मा की अनुभव करने का संकल्प करता है, स्वयं अपने परमात्मा के अनुभव करने का संकल्प करता है, मतलब अपने शुद्धात्मा के अनुभव करने का संकल्प करता है, स्वानुभव का, कसाय जीतने का, संतोष धारने का संकल्प करता है। बाकी जो कपटी होगा वो तो किसी प्रकार से छल से बाहे में कोई अपनी इष्ट सामग्री होगी, इसको प्राप्त करने के लिए कोई छल प्रपंच करेगा। जो धर्मात्मा जीव है उनका तो एक ही संकल्प होगा कि भाई हम किस प्रकार से कसायों को जीतें, किस प्रकार से कसायों का शमन करें और परमात्मा अवस्था को प्रकट करें। तो वो कैसे करेंगे कि अपने शुद्धात्मा के अनुभव से, ज्ञान से, उसमें ही लीनता से ये कार्य की सिद्धि होने वाली है। तो फिर वो कसायों को जीतने का, संतोष धारने का संकल्प करते हैं और जगत के छलों का दूर से ही परिहार करते हैं, आत्मा को असहाय चैतन्य मात्र जानते हैं। देखो थोड़ा और विचार करें कि भाई बाहर में किसी वस्तु को इष्ट आता है, ये अपने मोक्ष में प्रकाशल जी में भी आता है और बाल बोध में भी हमने पढ़ा है, जब पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट जानता है जीव, तभी उसको प्राप्त करने के लिए उसके प्रति, मतलब जब जब वस्तु को इष्ट अनिष्ट जानता है तभी राग द्वेष होते हैं और तभी कसाय भाव होते हैं, और जब पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट नहीं जानेगा तो उसके प्रति राग द्वेष नहीं होगा और कसाय भाव नहीं होगा। तो कसायों का अभाव करने के लिए क्या करना है,
पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़ना है, तो कोई पर द्रव्य इष्ट है, कोई पर द्रव्य हमारे लिए अनिष्ट है, कोई भी। तो इष्ट होगा तो उसको प्राप्त करने के लिए छल कपट करेगा, अनिष्ट होगा तो उसको दूर करने के लिए छल कपट करेगा। तो दोनों ही केस में इष्ट के संबंध में भी छल कपट चलेगा, अनिष्ट के संबंध में उसको दूर करने के लिए छल कपट चलेगा। लेकिन जब ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब ऐसा निर्णय करे कि भाई बाहर में तो कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु ना ही इष्ट है ना ही अनिष्ट है, वो तो अपने स्वभाव रूपी परिणाम होती है। हम उसको इष्ट या अनिष्ट रूप मानते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। हमको अपनी अज्ञानता को दूर करना है तो हमारा दुख भी दूर हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हम वस्तु को चेंज कर दें, लेकिन वस्तु चेंज नहीं हो सकती। वस्तु जैसी है वैसी है, ना वो इष्ट रूप है ना अनिष्ट रूप है। देखिए आगे क्या कहते हैं, देखो, जो धन संपदा कुटुंब आदि को अपनाता है वही कपट छल ठगाई करता है। जो आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर पर द्रव्यों से अपने को भिन्न असहाय जानता है वह धन जीवन के लिए कपट नहीं करता है। अतः यदि अपने आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाना चाहते हो तो मायाचार का परिहार करके आर्जव धर्म धारण करो। इस प्रकार आर्जव धर्म का वर्णन किया। देखो ये इसका भी कारण दिया ना कि कौन करेगा कपट, कौन करेगा छल, कौन करेगा मायाचारी, कौन करेगा? जो परद्रव्य में अपनापन करेगा, चाहे तो धन में, संपदा में, कुटुंब परिवार आदि में, वो यदि इन सब में अपनापन करेगा, इनको अपना मानेगा, तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा करने की दृष्टि से किसी भी रूप में, तो जब परद्रव्य में अपनापन करा तो उनकी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए वो छल कपट आदि करेगा ही करेगा। लेकिन जो जीव ऐसा जान ले कि भी हमको तो इस संसार का अभाव करना है, चार गति 84 लाख यानी में भटकते हुए कितना काल बीत गया, अब तो इस संसार का अभाव करना है, संसार परिभ्रमण से छुड़ा कर अपने आत्मा को परद्रव्यों से और परद्रव्यों से अपने को भिन्न असहाय जानता है। अब वो ये जानता है कि परद्रव्य से भिन्न है और परद्रव्य में कोई भी मेरी सहायता करने वाला भी नहीं है, ना तो धन संपदा, ना ही कुटुंब आदि परिवारजन वाले, ये कोई भी मेरा साथ देने वाले नहीं है। मैं मानता भले ही हूँ कि भाई ये मेरे साथी संबंधी हैं, लेकिन ये कोई मेरा साथ देने वाले नहीं है। मैं असहाय तत्व हूँ और विश्व का प्रत्येक द्रव्य असहाय है, स्वाधीन भी है असहाय भी है। कोई द्रव्य किसी की सहायता कर सकता नहीं। हम मानते हैं कि भाई हम इनकी सहायता करते हैं, ये हमारी सहायता करते हैं, हमें इनसे लाभ होगा या इनको हमसे लाभ होता है, तो ये तो हम अपनी विपरीत मान्यता में ही मानते हैं। वस्तु व्यवस्था के अनुरूप विचार किया जाए तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि कोई भी द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता है, सभी असहाय तत्व हैं, अविनाशी, अनादि, निधन। वस्तु व्यवस्था में कोई किसी की सहायता नहीं करता। और जब ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो फिर धन जीवन के लिए कोई कपट नहीं करेगा। इसी प्रकार ये बात पूरी यहाँ पे करी, क्योंकि यदि संसार का अभाव करना चाहते हो, संसार परिभ्रमण से अपने को बचाना चाहते हो और मोक्ष में जाना चाहते हो, मोक्ष अवस्था प्रकट करना चाहते हो, तो फिर आर्जव धर्म को धारण करो, मायाचार का परिहार करो। इस प्रकार से यहाँ आर्जव धर्म की चर्चा यहाँ पर की है। अब इसके बाद उत्तम सत्य धर्म की चर्चा आएगी, नियोगों के माध्यम से ये इस बात को लेंगे, मतलब सत्य की बात आएगी ना, तो चारों अनियोगों के माध्यम से सत्य वचन की बात आएगी, एवं झूठ भी कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बात इसमें आएगी। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी इतना ही, समय भी हो गया। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हुजो। नमो रिंताणम, नमो सुधाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो ले संसारणम। नमो रिंताणम, नमो सुधाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो ले संसारणम। नमो रिंताणम, नमो सुधाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो ले संसारणम। नमो रिंताणम, नमो सुधाणम, नमो आर्याणम,
नमो ध्यानम नमो लोय सब सावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सब सावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सब सावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सब सावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सब सावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सब सावणम बोले अंतर्मुख मुद्रा में सर्वजनेन भगवंतों की जय हो द्वासामय जनवाणी माता की जय हो समस्त वितरागी संतों की जय हो अहिंसामय जैन धर्म की जय हो सभी को सादर जय जिनेन्द्र।